कैंची का काम होता है लोगों का बाल काटना। क्या झारखंड में ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं का जो यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, क्या उनका पत्ता काटने का काम करेगी जेबीकेएसएस की कैंची? निसंकोच इसमें कोई। आपको बताते चले कि जब से टाइगर जयराम महतो ने रामगढ़ जिला कमेटी का स्थायी गठन किया है, तब से संगठन के अंदर में काफ़ी अनबन चल रहा है। क्या जिला कमेटी का जो चयन किया गया है जिन सदस्यों को, क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच। देखिए, जो भी ऐसे सदस्य हैं जो लोग नाराज हैं और जिन्होंने आपको रामगढ़ जिला का जिला प्रवक्ता बनाया गया है पार्टी की तरफ से, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सूचना मिला है कि कल के डेट में जेएलकेएम का चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या वो चुनाव चिन्ह है जरा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, हमारी पार्टी को जो निर्वाचन आयोग से जिस तरीके से सभी पार्टियों का कोई ना कोई सिंबल होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जोहार नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमारे बीच में गोला प्रखंड के पांडव कुमार महतो जी मौजूद है, जो रामगढ़ जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य भी हैं। और आपको बताते चले कि रामगढ़ जिला में बीते कुछ सप्ताह पहले अस्थायी कमेटी का गठन किया गया था, उसमें पांडव कुमार महतो जी का जिला प्रवक्ता बनाया गया है। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार है, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में पांडव दा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। आपको रामगढ़ जिला का जिला प्रवक्ता बनाया गया है पार्टी की तरफ से, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको पूरा पूरी निष्ठापूर्वक निर्वहन करना मेरा दायित्व है और ये पार्टी की जिम्मेवारी है। पार्टी की जिम्मेवारी को मुकाम तक पहुँचाना भी मेरा लक्ष्य है, इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये महसूस हमको अब ये हो रहा है कि पूरा जिला का दायित्व मिला है प्रवक्ता का, और जिले भर का जो भी प्रवक्ता के अंदर में जो दायरे में जो काम आता है, जो बात आती है, जो मुद्दाएं आती है, उन सारी मुद्दाओं को जगह पर रखना ये मेरा प्राथमिकता होगा जी। पहले हम तो इनसे जानना चाहेंगे जिला कमेटी के बारे में, क्योंकि जिला कमेटी पर बहुत सारा सवाल अभी खड़ा हो रहा है रामगढ़ टीम में। आपको बताते चले कि जब से टाइगर जयराम महतो ने रामगढ़ जिला कमेटी का स्थायी गठन किया है, तब से संगठन के अंदर में काफ़ी अनबन चल रहा है। दादा, ऐसा न्यूज़ सामने आ रहा है, बहुत सारे कमेटी के सदस्य लोग हैं जो हमारे पास ये बात लेकर आए हैं कि जिला का जो अस्थायी कमेटी बनाया गया है उसमें खामियां, आप क्या बोलिएगा इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं तो खामियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने भी देखा, ये पाया कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के लिए समर्पित भाव से काम किए और पुराने साथी लोग थे, वाकई जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा, वैसे कई ऐसे साथी जो हैं जो उन लोगों को जिला कमेटी में नाम नहीं आया, और इनसे तो मन में तकलीफ है। क्योंकि साथ में हम लोग चले हैं, साथ में इस पार्टी के लिए आंदोलन किए, पार्टी के लिए संघर्ष किए, पार्टी के लिए काम किए, जिस तरीके से हम आपको एग्जाम्पल के रूप में देना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने सबसे सर्वप्रथम पंचायत कमेटी का गठन किया, उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह जा कर के लोगों को जगाया। और जहाँ तक भी आपको हम और भी एक चीज़ बताते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ के, एक दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बहुत सारे प्लांट वगैरह में लोगों की मृत्यु हो जाती है, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, वैसे पीरियड में यहाँ के जो नौजवान जो कार्यकर्ता साथी हमारे साथ काम किए और उन लोगों को जिला कमेटी में जगह नहीं मिला, इसमें तो हमको भी दिल में काफ़ी दुख है जी। पांडव दा, जिन्होंने पार्टी के लिए एक दिन भी कार्य नहीं किया है, वैसे लोगों को वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, आप क्या बोलिएगा इस पर? और जो लगातार 2-2.5 साल से सक्रिय सदस्य हैं, जो लगातार घर घर जाके लोगों को जागरूक किए हैं, वैसे लोगों को वरीय उपाध्यक्ष ऊंचा पद नहीं मिल के एक ऐसे आदमी को मिल गया है जो मतलब कि संगठन के लिए कभी कार्य नहीं किया, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है, हम यही कहेंगे। हम स्पष्ट, मेरा कहना हमेशा साफ सुथरा रहता है, हम दिन को दिन और रात को रात कहना जानते हैं, इसलिए अगर जिस साथी को ऐसा, सबसे पहले तो जिनको यहाँ पार्टी पर जो दायित्व दिया गया है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, जिन्होंने इस पार्टी के लिए काम किया, जिन्होंने इस पार्टी के निस्वार्थ भावना से अपना धान चावल सब्जी बेच करके इस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया, और वैसे लोग को जिला कमेटी में विशेष पदों से ना दे करके
और जनरल जो बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसा हमको भी सुनने में आया, देखने में भी आया है, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत ऐसे पदाधिकारी बने हैं भाई, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, ऐसे भी पदाधिकारी बने हुए हैं जो पदाधिकारी बनने से एक दिन पहले तक वो हमारे संगठन में नहीं थे। जी आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि टाइगर जयराम महतो ने प्रत्याशियों के चयन के लिए या फिर जिला कमेटी के चयन के लिए, प्रखंड कमेटी के चयन के लिए जो 10 क्राइटेरिया निकाले थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आंदोलन का नेतृत्व करने पर कुछ अलग पॉइंट था, कितने पढ़े लिखे हैं उसका अलग पॉइंट था, इस प्रकार का तमाम उन्होंने नंबर दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था। क्या दादा जिला कमेटी बनाने में इन तमाम पॉइंटों का पालन किया गया है, इनके देखरेख में ये हुआ है ये कमेटी का निर्माण? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। हालांकि जो क्राइटेरिया निकाला गया था, हम साफ तौर पर कहें तो बहुत ऐसा जो पद से जिन लोगों को माने सुशोभित किया गया है, उन लोगों का हमने ऐसा भी देखा है कि जिस दिन वो जिस पद में आए हैं उसके एक दिन पहले भी वो हमारे संगठन के साथी नहीं थे, संगठन में आंदोलन नहीं किए हैं, संगठन में नहीं थे, हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। इसलिए वो जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा फुलफिल नहीं किया गया है और बहुत सारे नए लोग इस जिला कमेटी में कमेटी का सदस्य या फिर अधिकारी बने हुए हैं। यानी कि आप साफ का समझ सकते हैं दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि टाइगर जयराम महतो ने जो 10 क्राइटेरिया चयन के लिए निकाला हुआ था वो पूरी तरीके से खारिज होता है ये जिला कमेटी बनाने के निर्माण में। और आप लोगों को बताते चले कि सिर्फ वो एक दिखावा था, एक ढांढला था, आप ये कह सकते हैं। आइए और भी जानते हैं दादा, आप ये चीज़ बताइए कि क्या जिला कमेटी का जो चयन किया गया है जिन सदस्यों को, क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच। देखिए जो भी ऐसे सदस्य हैं जो लोग नाराज़ हैं और जिन्होंने इस संगठन को सींचा और जिन्होंने इस संगठन को अपने समर्पित भावना से शिखर तक पहुंचाया, उनको जिला कमेटी में शामिल करना बहुत ही अति आवश्यक है। और वैसे लोग जिन पर लगातार विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है, जो संगठन के काम से कोई भी एक दिन भी जिनका कोई रोल नहीं रहा है और जिन पर लगातार विरोध हो रहा है, उनको संगठन से जितना भी जल्द हो सके उनको फेरबदल किया जाए और उनके जगह पर वैसे कार्यकर्ता जिन लोगों ने संगठन को लेकर के अपना समर्पित भावना दिखा करके 2-3 साल का जो समय दिया है, उन लोगों को उस जगह पर सुशोभित किया जाना चाहिए, तभी ये संगठन हमारा मजबूत होगा। जी जी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में ये पता ही चला होगा कि टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनका मान्यता प्राप्त हो चुका है और बीते दिन यानी कि कल उनका जो चुनाव चिन्ह भी अलॉटमेंट हो गया है। आइए हम जानते हैं कि कौन सा चुनाव चिन्ह टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मिल चुका है। आइए हम इन जिला प्रवक्ता जी से ही जानते हैं। दादा ऐसा सूचना मिला है कि कल के डेट में JLKM का चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या वो चुनाव चिन्ह है, जरा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए हमारी पार्टी को जो निर्वाचन आयोग से जिस तरीके से सभी पार्टियों का कोई ना कोई सिंबल होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पार्टी को कैंची छाप मिला हुआ है। और मैं तमाम यहाँ के एक आम नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका चुनाव निशान कैंची छाप है और ये कैंची छाप के माध्यम से ही हम लोग चुनाव पर उतरेंगे और हमारी पार्टी हमारे सुप्रीमो इसी आधार पर, इसी सिंबल के आधार पर चुनाव में आएंगे। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जो भी जो वोटर थे उनको समझने में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ था कि कौन सा, क्योंकि हर एक लोकसभा में अलग अलग चुनाव चिन्ह था, इस बार क्या होने वाला है? 81 विधानसभा में यदि टाइगर जयराम महतो पार्टी से उम्मीदवार आते हैं तो उनको एक ही सिंबल मिलेगा कैची छाप या फिर अलग अलग सिंबल होने वाला? बिल्कुल ये निसंकोच हम ये स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि अब वो युग खत्म हो गया, कहीं सिलेंडर, कहीं हेलमेट, कहीं कैंची, कहीं कुछ हो, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया। और हमारी पार्टी ने जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सिंबल मिलता है, वो हमारी पार्टी ने पूरा फुलफिल कर चुकी है और उनके माध्यम से ही हमें ये कैंची छाप मिला हुआ है। इसलिए जितने भी, अगर हमारी पार्टी अगर 81 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है तो हमारा 81 विधानसभा सीट से कैंची का ही छाप रहेगा। एक सवाल और ले लेते हैं इनसे, कैंची का काम होता है लोगों का बाल काटना, क्या झारखंड में ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं का
जो यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, क्या उनका पत्ता काटने का काम करेगी जेबीकेएसएस की कैंची? निसंकोच, इसमें कोई दुराय नहीं है। हम आपके तमाम दर्शकों को, हमारे इस राज्य के, इस राज्य को नवनिर्माण की ओर देखने वाले तमाम यहाँ के झारखंड वासियों को ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही सोची समझी के साथ हमारी पार्टी को ये निशान मिला हुआ है। जिस तरीके से इस पार्टी का काम है, ठीक उसी तरीके से इस पार्टी का सिंबल के अनुसार से जाना चाहेगा। इसमें निसंकोच, इसमें कोई दुराय नहीं है। जो भी इस राज्य में भ्रष्टाचारी हैं, जो भी इस राज्य में घुसखोरी का जो बोलबाला है, जो भी गुंडागर्दी, जिस तरीके से लीडर लोग विधायक और सांसद बन के आते हैं, उन लोगों का पत्ता काटने के लिए ही हमारा निशान जो है कैंची छाप मिला हुआ है जी। तो अभी आप लोगों ने सुना जिला प्रवक्ता रामगढ़ के पांडव कुमार महतो जी का वक्तव्य। आप लोगों का यह वक्तव्य कैसा लगा? जिला कमेटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और जो सिंबल मिला है टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पार्टी को कैंची छाप, इसके बारे में आप लोग का क्या राय है? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।